दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जो बाजार में गिरावट चल रही है, क्या ये अब खत्म होने वाली है या इसे आगे भी जारी रहने की संभावना है। तो इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आज एशियन मार्केट किस प्रकार से खुले हैं उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, जितने भी सारे एशियन मार्केट हैं वो आज रेड में ट्रेड कर रहे हैं, यानी ये नीचे ट्रेड कर रहे हैं, ऊपरी स्तरों से नीचे लुढ़क करके ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 96 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, निकेई 118 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, हैंगसेंग की बात करें तो 217 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सारे के सारे एशियन मार्केट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और जैसा कि दोस्तों हमने दो तीन वीडियो अपलोड कर चुका है पहले से ही शेयर मार्केट के बारे में, निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स के बारे में, कि ये काफ़ी स्ट्रेच वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे थे और हम लोगों ने लगातार ये अनुमान लगाया था कि इतने हाई वैल्यूएशन में सेंसेक्स और निफ्टी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं गिरावट होने की आशंका बनी हुई थी और वो गिरावट हम लोगों ने देखा कि अब ये स्टार्ट हो गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि अब वर्तमान में जहां निफ्टी ट्रेड कर रहा है, क्या करेक्शन ख़त्म हो चुका है या इसमें और भी करेक्शन जारी रह सकती है, उन सारी संभावनाओं को तलाश करते हैं। और आज हम लोग फिर से चेक करेंगे कि निफ्टी किस वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है। जो हम लोगों ने डाइवर्जेंस पाया था निफ्टी के ईपीएस और पी वैल्यू में, क्या वो ख़त्म हो चुके हैं? अगर ख़त्म नहीं हुए हैं तो किन स्तरों तक जो है पी वैल्यूएशन मिलना चाहिए निफ्टी को, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चार्ट के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं कि अभी निफ्टी का क्या लेवल चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने निफ्टी के 50 MA, 100 MA, 200 MA का इंडिकेटर यहाँ पर लगाया है। ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं लाइन, ये 50 MA को दर्शा रहा है निफ्टी के, और ये जो ऑरेंज लाइन देख रहे हैं दोस्तों, ये 100 MA को दर्शा रहा है, और ये जो पर्पल लाइन देख रहे हैं ये 200 MA को दर्शा रहा है। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो पुराने वीडियो अपलोड किए थे उस समय हम लोगों ने संभावना जताई थी कि निफ्टी का जो 50 MA है, जो लगभग 11,194 के आसपास से ऊपर वो ट्रेड कर रहा था, उसको आने वाले दिनों में निफ्टी ब्रेक करने वाला है। और जैसा कि दोस्तों हम लोग आज यहाँ पर देख रहे हैं कि निफ्टी जो है वो 11,131, यानी कि ये जो अपना 50 MA है 11,194 का, उसको तोड़ करके नीचे आ चुका है, जैसा कि हम लोगों ने अनुमान लगाया था। अब जो इमीडिएट नेक्स्ट जो लेवल दिख रहे हैं 100 MA, वो लगभग 10,911, और जो 200 MA है 10,843, यानी कि 100 MA और 200 MA में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, वो लगभग बराबर ही है। तो अब जिस तरह से निफ्टी में जो ये दिख रही है वीकनेस, वो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि पी वैल्यूएशन काफ़ी हाई देखने को मिले थे। तो हम लोग ये टेक्निकल चार्ट ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये अवश्य जो है 100 MA को टच करने की कोशिश करेगा, यानी कि निफ्टी में अभी गिरावट जारी रहेगी, ऐसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं इसके चार्ट के अनुसार। और ये गिरावट 10,900 के आसपास तक जा सकती है, हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम लोग पी वैल्यूएशन और ईपीएस वैल्यूएशन निफ्टी के उस चार्ट को भी देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पाया था और अभी किस स्थिति में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये निफ्टी के ईपीएस का वैल्यूएशन है, और ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं ये निफ्टी के पी वैल्यूएशन को दर्शा रहा है। और अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पी वैल्यूएशन निफ्टी के और ईपीएस वैल्यूएशन में ये काफ़ी डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। ये जो आपका ये ब्लू लाइन और रेड लाइन के बीच में ये जो स्पेस है, ये काफ़ी बड़ा डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इसके पास्ट के चार्ट को स्टडी करने की कोशिश करें तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो रेड लाइन है ये ईपीएस का वैल्यूएशन दिखा रहा है, ये ब्लू लाइन जो है
ये पी वैल्यूएशन दिखा रहा है। तो जब ईपीएस का वैल्यूएशन ऊपर है और पी वैल्यूएशन जब निफ्टी का नीचे है, तो हम लोगों को बाउंस बैक देखने को मिला। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रॉस कर रहा है पी वैल्यूएशन का चार्ट, और पी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट जो है ईपीएस वैल्यूएशन से ऊपर चलता है। और जब जब भी पी वैल्यूएशन ईपीएस वैल्यूएशन से नीचे आता है, तो उसमें बाउंस बैक देखने को मिलता है। उसके बाद ये ईपीएस वैल्यूएशन को क्रॉस करता है। आप जहाँ भी देखिएगा दोस्तों कि ईपीएस वैल्यूएशन से पी वैल्यूएशन ऊपर दिखता है चार्ट, और जब भी पी वैल्यूएशन का ग्राफ नीचे आता है ईपीएस से, तो वहाँ पर बाउंस बैक देखने को मिलता है। ये हम लोग हर जगह देख रहे हैं। और पी वैल्यूएशन और ईपीएस वैल्यूएशन के बीच डाइवर्जेंस हमेशा रहा है, लेकिन उतना गैप देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर काफी बड़ा गैप देखने को मिल रहा है, जबकि ईपीएस वैल्यूएशन काफी नीचे चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि मार्च में जब गिरावट आई थी, तो हम लोग देख रहे हैं कि ईपीएस वैल्यूएशन नहीं गिरा था, जबकि पी वैल्यूएशन बहुत तगड़ा इसमें गिरावट देखने को मिला था। और जैसा कि हम लोगों ने देखा है पुराने हिस्ट्री में भी, कि जब भी पी वैल्यूएशन का ग्राफ नीचे गिरा है ईपीएस से, तो वहां पर बाउंस बैक आता है और ये ईपीएस वैल्यूएशन को क्रॉस करके फिर वापस ऊपर चला जाता है। तो इस जगह में भी हम लोग देख रहे हैं कि जब मार्च में गिरावट आई थी, तो ईपीएस वैल्यूएशन का ग्राफ ऊपर था और पी वैल्यूएशन का ग्राफ नीचे था, तो इसमें बाउंस बैक आया और ये ईपीएस वैल्यूएशन के ग्राफ को क्रॉस कर गया है। लेकिन अब जो डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है वो काफी बड़ा है, जबकि अगर हम लोग इसके पी वैल्यूएशन के आधार पर और ईपीएस वैल्यूएशन के आधार पर अगर हम लोग यहाँ से कंपेयर करें, तो हम लोगों को जो अभी डाइवर्जेंस तो अवश्य होना चाहिए, लेकिन ये लगभग इन स्तरों पर होना चाहिए जहाँ की निफ्टी का पी वैल्यूएशन देखिए, जैसे ग्राफ में देख रहे हैं कि 28 के आसपास, 27 28 के आसपास इतना ही डाइवर्जेंस होना चाहिए, जबकि यहाँ पर डाइवर्जेंस काफी बड़ा देखने को मिल रहा है। अब ग्राफ को छोड़कर अगर हम लोग आंकड़ों से इसको देखने की कोशिश करें दोस्तों, अगर 5 साल के एवरेज पी को देखते हैं कि हाई लो किस पी पर ट्रेड करता है निफ्टी, तो हम लोग देख रहे हैं कि 5 ईयर्स का जो सबसे न्यूनतम पी वैल्यूएशन है निफ्टी का, वो 17.2 है, जबकि हाईएस्ट जो है 33.3 है। और अभी हाल में ही ये 33.3 पर ये ट्रेड कर रहा था। तो अगर दोस्तों हम लोग इसके एवरेज को निकालें, तो इसका एवरेज भी जो है तकरीबन 27-28 के आसपास ही आता है हाई और लो वैल्यूएशन का। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि अभी जो पी वैल्यूएशन चल रहे हैं निफ्टी के, वो अभी 32 के आसपास चल रहे हैं, और जबकि अभी हम लोगों ने देखा कि इसका पी वैल्यूएशन 27-28 के आसपास आना चाहिए, तब जा करके इनके ईपीएस और पी ग्राफ के डाइवर्जेंस में कमी देखने को मिलेगी। तो हम लोग दोस्तों ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये डाइवर्जेंस अवश्य कम देखने को मिलेगा, ये गैप जो बढ़ा हुआ है वो कम होगा समय के साथ, और इसके कम होने के लिए जो है निफ्टी को और गिरना पड़ेगा। तो जब तक पी वैल्यूएशन निफ्टी का 26-27 के आसपास नहीं आ जाता है, बाजार में गिरावट जारी रहेगी, ऐसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। और इसके टेक्निकल चार्ट भी यही बता रहे हैं कि आने वाले समय में निफ्टी को 10,900 का लेवल देखना चाहिए, और पी वैल्यूएशन और ईपीएस वैल्यूएशन के आधार पर भी हम लोग वही पा रहे हैं। तो आखिर अगर इसमें गिरावट जारी रहेगी, तो अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए, रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, ये बात सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी स्टॉक्स पर चर्चा की है जिनके फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत पाए गए हैं, उनके सारे वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी, तो आप जा करके उन सारे वीडियो को चेक करें, और जो भी स्टॉक आपको सही लगते हों और उनके दाम जो हैं सही रेंज में पहुंच गए हैं, तो उसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन खरीदारी करने से पहले आपको निफ्टी के 10,900 के स्तर के आने का इंतजार करना पड़ेगा, और उन स्तरों पर आपको फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन में मिलेंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। अगर स्टॉक के नाम की बात करें कि कौन कौन से स्टॉक हम लोग परचेज कर सकते हैं, तो दोस्तों हम लोग मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस है, और गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, शीला फोम, तमाम बहुत सारे स्टॉक हैं जिसकी चर्चा हम लोगों ने पुराने वीडियो में की है, उन सारे स्टॉक को आप देख सकते हैं और सही प्राइस रेंज में आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों आपका
मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मैं नमस्कार।